हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल बगड़ूदिया डिजिटल आईटीआई यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम टीडीएम ट्रेड का ही एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जो हमने लास्ट वीडियो में 21 से 40 यानी कि 20 एमसीक्यू सॉल्व किए थे। आज हम 41 से स्टार्ट करेंगे और 70 तक सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41, कटिंग एक्शन ऑफ फाइल डिपेंड्स अपॉन, एक फाइल का कटिंग एक्शन किस पे डिपेंड करता है? तो यहाँ पे तीन ऑप्शन दिए हैं, कटाव का प्रकार और तीत के बीच की जगह, तीत की स्थिति, फैल पर, फैल का आकार, यानी कि ऑप्शन डी आएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 42, एक्सोब्लेड तीत सुस्त हो जाने का कारण होता है, तो क्या कारण होता है? तो उपरोक्त में से कोई भी, यानी कि उच्च गति और दबाव हो, वापसी स्ट्रोक के दौरान दबाव नहीं निकालने से, कूलेंट का इस्तेमाल नहीं करने से। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सा फाइल फेस को थोड़ा उत्तल रूप में बनाने का कारण नहीं है? तो इसका सही आंसर आएगा ए, यानी कि कार्य सतह और कार्य फेस के बीच घर्षण बढ़ने से। निम्न में से क्या पद एक फाइल के ग्रेड को नहीं बताता? तो इसका सही आंसर आएगा प्रथम कट। बाकी जो सारे हैं, बास्टर्ड, दूसरा कट, चिकना यानी कि स्मूथ फाइल, ये सभी एक ग्रेड को बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, एल्यूमिनियम को काटने के लिए सपाट चिजल का कटिंग एंगल कितना होता है? तो एल्यूमिनियम को काटने के लिए एक सपाट चिजल का कोण होता है 35 डिग्री। 46, निम्नलिखित में से क्या एक पदार्थ है जिसको रेस्प कट फाइल के द्वारा काटा जा सकता है? तो इसका सही आंसर आएगा दोस्तों लकड़ी। निम्नलिखित में से क्या एक बियरिंग ब्रूस पर स्क्रैपिंग के लिए स्क्रैपर का उपयोग होता है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं, तो इसका सही आंसर आएगा अर्ध गोल स्क्रैपर। एक दोहरा कट इस्तेमाल होता है फाइलिंग, यानी कि दोहरा कट कब इस्तेमाल होता है? तो कि होता है स्टील के लिए। क्वेश्चन नंबर 49, एक फाइल में दूसरा कट का प्रकार होता है? तो उसका सही आंसर रहेगा दोस्तों ग्रेड, जो कट का एक प्रकार होता है। एक फाइल चीजल आमतौर पर बना होता है एक आकार में? तो उसका सही आंसर आएगा दोस्तों ऑक्टागोनल। क्वेश्चन नंबर 51, चीजल का इस्तेमाल होता है कीवी काटने के लिए, ये होता है वो कौन सा चीजल होता है? तो कैप चीजल। क्वेश्चन नंबर 52, एक सपाट बास्टर्ड फाइल का दोनों साइड में होता है, तो क्या होता है? दोनों साइड में दो कट तीत होते हैं, हमेशा हेक्सो ब्लेड की लंबाई मापी जाती है। तो हेक्सो ब्लेड की लंबाई कहाँ से कहाँ तक मापी जाती है? तो इसका सही आंसर आएगा एक पिन छिद्र के केंद्र से दूसरे पिन छिद्र के केंद्र तक। 54, नया हेक्सो ब्लेड जो बना होता है पुराने ब्लेड से, उसका इस्तेमाल ब्लाइंड शो में नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि? तो इसका सही आंसर आएगा इतना जगह नहीं होता कि ब्लेड चला सके। क्वेश्चन नंबर 55, फाइल के सेफ एज का इस्तेमाल होता है, तो उसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है? तो बगल के साइड को बचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 56, फाइल कार्ड का इस्तेमाल कहाँ होता है? तो उसका इस्तेमाल होता है फाइल तीत की सफाई के लिए। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है, फाइल कार्ड का इस्तेमाल कहाँ होता है? तीत का सेंटिंग हेक्सो में होता है, तो उसका आंसर आएगा ब्लेड और काम के टुकड़े के बीच घर्षण से बचने के लिए आवश्यक। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ग्रेडिंग व्हील को चिन्हित करने के लिए इस्तेमाल होता है? तो उसका सही आंसर आएगा सिलिकॉन कार्बाइड। क्वेश्चन नंबर 59, फ्लेट छेनी के काटने के किनारों पर थोड़ा सा संचरण किया जाता है, तो उसका सही आंसर आएगा डी, कटिंग डंक एज के अंत में डिग्गी डंक को दूर रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 60, चिपिंग के दौरान क्लियरेंस कौन होता है, तो कितना होता है? तो जॉब की काम की सतह और छेनी जॉब के किनारे की कटाई के नीचे की सतह तक।
क्वेश्चन नंबर 61, पतले खंड ट्यूबों को काटने के हेक्सो ब्लेड की सबसे उपयुक्त पिच कितनी होती है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पतले खंड ट्यूबों को काटने के लिए 0.8 mm। क्वेश्चन नंबर 62, ठोस पीतल को काटने के लिए कितनी होती है पिच? तो 1.8 mm। आमतौर पर इस्तेमाल किया मानक लंबाई हेक्सो ब्लेड होता है, तो हेक्सो ब्लेड की आम मानक लंबाई कितनी होती है? तो 250 mm। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम घर्षण है? तो उसका सही आंसर है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक ठाक दांत के साथ हेक्सो ब्लेड अधिक प्रभावी होता है, तो उसका आंसर आएगा पतले भाग वाले धातु के लिए। क्वेश्चन नंबर 66, एकल कट फाइल के लिए तीत काटा जाता है फाइल फेस के कोण? तो इसका सही आंसर आएगा फाइल की केंद्र रेखा पर 60 डिग्री। ग्रेडिंग व्हील के चमकने का कारण होता है, चमकने का करना होता है, तो क्या आएगा उसमें? दोनों ए और बी, बहुत महीन ग्रेन आकार और व्हील का सख्त होना। निम्नलिखित में से कौन सा बॉन्ड का ज़्यादातर इस्तेमाल ग्रेडिंग व्हील पर होता है? तो उसका सही आंसर आएगा ए, विट्रोफाइड। क्वेश्चन नंबर 69, व्हील का संतुलन किया जाता है, तो उसका सही आंसर आएगा सी, व्हील के हर एक स्थिति में भार को बराबर रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 70, ग्रेडिंग में तरल का इस्तेमाल होता है, तो इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी, यानी कि कार्य क्षेत्र में व्हील फेस के बीच घर्षण को कम करने के लिए, चिप्स को धो डालने के लिए, व्हील पर लोडिंग से बचाने के लिए। दोस्तों आशा रखता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।